हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। इस बार पाकिस्तान की नापाक हरकत से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। पुंछ के किडनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। रात करीब 10:45 पर पाकिस्तान की तरफ से यहां फायरिंग हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पाकिस्तान ने मोर्टार दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। यह देखिए 10:45 पर यह सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और किरनी सेक्टर का ये मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय बाचलू मौजूद हैं। अजय, क्या और जानकारी है पाकिस्तान की तरफ से? जो सीज फायर वायलेशन हुआ, भारतीय फौज ने उसका जवाब दिया है? जी विकास, बिल्कुल। अगर आप एलओसी की बात करें तो एलओसी पर लगातार पिछले, अगर मैं कहूं कि महीने दो महीने से भी ज्यादा वक्त से रोजाना इस तरह के सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और खासकर जो पुंछ इलाका है वहां पर तो पाकिस्तान दिन में 2 से 3 बार इस तरह की हिमाकत को अंजाम देता है, जिसका मकसद साफ है कि क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है और जिस तरह से रोजाना वहां एनकाउंटर हो रहे हैं और इन एनकाउंटर में जिस तरह से रोजाना आतंकी मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा यह है कि पुंछ के रास्ते से आतंकियों को भेजा जाए और वही इसीलिए वहां पर जो ठीक है। अजय, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकतें लगातार जारी है और को लेकर अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं। कह रहे हैं ना, दुनिया भले ही कोरोना से जूझ रही हो पर पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले पाकिस्तान दिल्ली में जासूसी कर रहा था, अब इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों को तंग करने में जुटा हुआ है। देखिए, लगातार ये कहा जाता रहा है ना कि दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और पाकिस्तान आतंकी वायरस और जासूसी वायरस से लड़ाई लड़ रहा है दुनिया से। ताजा वीडियो इस पर सवाल उठा रहा है कि कब सुधरेगा पाकिस्तान। ये वीडियो देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। कभी करता है भारत में जासूसी, कभी करता है अधिकारियों को तंग। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ताजा वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है। कार के अंदर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में नजर आ रहा है एक शख्स बाइक के जरिए कार का पीछा कर रहा है। ये बाइक सवार साय की तरह कार से चिपक कर चल रहा है। वो ना कार से आगे जा रहा है और ना ही पीछे छूट रहा है। वो कार की स्पीड से स्पीड मैच कर रहा है ताकि एक पल के लिए भी कार आंखों से ओझल ना हो जाए। कार में जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है गौरव अहलूवालिया। गौरव अहलूवालिया पाकिस्तान में भारत के शीर्ष अधिकारी हैं। पाकिस्तान की हरकतों के चलते भारत ने पाकिस्तान से हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। ऐसे में डिप्टी हाई कमिश्नर ही इस्लामाबाद में मिशन का चीफ होता है। अहलूवालिया का आरोप है कि बाइक सवार दरअसल एक आईएसआई एजेंट है जो लगातार पीछा कर भारतीय राजनयिकों को तंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राजनयिकों की जासूसी करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई जासूसों को लगा रखा है जो कार और बाइक के जरिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर तैनात रहते हैं और किसी भी सदस्य के निकलते ही उसका पीछा करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डिफेंस गौरव अहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरेस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रॉन्गली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कभी कार से तो कभी मोटरसाइकिल से भारतीय अधिकारियों को तंग करने पर भारत की तरफ से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इस पत्र की जानकारी एबीपी न्यूज के पास है जिसमें भारत ने परेशान करने के कई किस्से गिनाए हैं। सिर्फ मार्च के महीने में कम से कम 13 बार अफसरों को प्रताड़ित किया गया। मार्च 8 फर्स्ट सेक्रेटरी का पीछा किया गया। मार्च 8 नेवल एडवाइजर का पीछा किया गया। भारतीय अधिकारियों को फर्जी कॉल कर तंग किया गया। 9 मार्च डिप्टी हाई कमिश्नर का पीछा किया गया। ऐसे एक नहीं कई मामले। इस मामले पर पूरा देश साथ है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि देश का पक्ष और विपक्ष मिलकर देश के नागरिक पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कल जब उनके 3 मिशन अधिकारी हमारे देश में जासूसी करते पकड़े गए तो आज उन्होंने बदले में ये ओछी कार्रवाई की।
तो सवाल अब भी वही कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों को तंग करने की साजिश रची जा रही है। इस्लामाबाद में तंग कर रहा है तो दिल्ली में अपने जासूस छोड़कर साजिश रच रहा है पाकिस्तान। दिल्ली में तो दो राजनयिक रंगे हाथों जासूसी करते बकायदा पकड़े गए थे। इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि भारत में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपना जाल फैलाया हुआ है। 31 मई को दो जासूसों को दिल्ली के करोल बाग से धर दबोचा गया, इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। पहले जासूस का नाम है आबिद हुसैन, जो पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात था। दूसरे जासूस का नाम ताहिर खान, ये भी पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात था। पाकिस्तानी दूतावास में बैठकर ये क्या खेल खेल रहे थे, ये दिखाती हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीर जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 16 फरवरी की है। एक रेस्टोरेंट की अलग अलग टेबल पर दो शख्स बैठे दिखेंगे। काले कोट में आगे की तरफ बैठा शख्स अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है। उसके ठीक पीछे बैठे आदमी ने भी काला जैकेट पहना है, जो किसी से बातें कर रहा है। लेकिन असल में ये आबिद और ताहिर हैं, जो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा सहायक के तौर पर छिप कर आए थे और भारत के खिलाफ जासूसी किया करते थे। दोनों जासूसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। वो एक व्यक्ति को पैसे का लालच देकर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज ले रहे थे। पाकिस्तान की ये साजिश खुली तो दोनों को बोरिया बिस्तरा समेट कर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिशें भारत ने नाकाम की है। अब दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सामने आ रहा है कि कोरोना काल में भी पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा।